दिनों को दीप उत्सव के तहत मां लक्ष्मी के स्वागत में महिलाएं बालिकाओं ने घर के सामने आकर्षक रंगोलियां बनाई। दीप उत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन से प्रारंभ हो जाती है। इसी क्रम में बालिकाओं महिलाओं ने अपने घर के सामने एक से बढ़कर एक रंगोलियां बनाई। जब मीडिया की टीम ने नगर का दौरा किया तो नगर में एक से बढ़कर एक रंगोलियां सजाई गईं। वहीं जब महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे जीवन को भगवान ने रंगों से भरा है, उसी क्रम में हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी के स्वागत में घरों के सामने रंगोलियां बनाते हैं। इसी क्रम में नगर के पुलिस कार्यालय पर महिला आरक्षक के द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई, जिसकी सभी लोगों के द्वारा सराहना की जा रही है। हर शुभ काम में रंगोली का बहुत महत्व होता है। रंगोली रंग बिरंगे कलर का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में रंग बिरंगे कलर भरती है, रंग भरती है। इसीलिए हम लोग लक्ष्मी माँ के आह्वान के लिए अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाकर उनका आह्वान करते हैं। जैसे कहते हैं कि सुंदरता से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है, साफ सफाई से, तो रंग हर घर घर में रंगोली बनाकर हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली वाली पर्व, उसको मनाने की विशेष रूप से उसमें रंगोली। तो रंगोली बनाना कब से चालू होती है? रंगोली बनाना धनतेरस से चालू कर देते हैं। धनतेरस के का भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। धनतेरस में कहते हैं कि उस दिन सोना खरीदने से भी बहुत रहता है, तो सभी दुकानों पे और सभी जगह रंगोली सजाकर और ग्राहक से लेकर सभी को आकर्षित किया जाता है।